अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज बना रही हूँ मैं काले चने। तो काले चने जो है थोड़ा सा मैं यूनिक तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई रखी है और उसका चूल्हा जो है जला दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैं इमली का पल्प। पक जाए तो फिर थोड़ा मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें पानी डालूंगी। ये थोड़ा सा पकना शुरू हो तो मैं इसमें डालूंगी, ये है भुना कुटा जीरा 1 चम्मच, और ये है नमक, ये पिसी मिर्चें 1/2 चम्मच, और ये है चाट मसाला, ये है चीनी, और ये 1 पिंच से भी थोड़ी कम मैंने हींग ली है। तो ये चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। इसको डाल के जो अच्छे से पकाना है, और इसमें जाएगा 1 चम्मच सिरका। चम्मच शहद, इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये जो है 1 कप चने हैं और तकरीबन ये 3 आलू हैं जिनको मैंने इस तरह काट लिए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं ये 1 टमाटर है जिसको मैंने सिर्फ बारीक बारीक काटा है, लेकिन गूदा, इसका टमाटरों का गूदा मैंने नहीं डाला इसमें। और इसमें मैं थोड़ा सा ये खीरा डालूंगी, इसमें ये डलेगी थोड़ी सी प्याज, प्याज भी मैं थोड़ी ही डालूंगी। ये 1 प्याज है उसको मैं 1/2 करके डाल रही हूँ। तो इसमें मैं ये हरा धनिया डालूंगी, ये हरा धनिया डाला है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसमें एक चीज और जाएगी बताती हूँ आपको, वो है नमक। हसबे जरूरत नमक डाल दें, चाट मसाला बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा डाल लें, बाकी जब आप खाएं तो अपने आगे डाल लें। तो अब इन चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी सबको।
चलिए, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज बना रही हूँ मैं काले चने। पहले मैं एक रेसिपी बना चुकी हूँ और अब मैं दोबारा बना रही हूँ। तो इसमें पहले कढ़ाई मेरी गर्म हो गई, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 5-6 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। और अब इसमें डालूँगी मैं ये इस तरह प्याज। ये प्याज डाल दी मैंने इसमें। प्याज को जो है ना हल्का कच्चा पक्का करना है। जब प्याज थोड़ी नरम हो जाएगी और पानी छोड़ेगी तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। प्याज को अभी हमें इसी तरह से सौते करना है। तो प्याज जो है हमारी देखिए कच्ची पक्की हो गई है। अब इसमें डालूँगी मैं चने। थोड़ा सा प्याज के साथ इसकी भुनाई करनी है, फिर उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। चने जो है वो हमारे भुन गए। अब मैं इसमें डालूंगी ये कुटी मिर्ची 1 चम्मच और ये चाट मसाला 1 चम्मच और ये नमक है 1 चम्मच और चाट मसाला और मिर्ची जो डाली थी उनको मैंने फिर चने के साथ भून लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 प्याली भिंडी का पल्प। इसमें मैंने आलू भी 2 काट के डाल दिए इस तरह क्यूब्स की शक्ल में। तो अब मैं जो है इनकी आँच हल्की कर दूंगी ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी ये मैंने लहसुन और हरी मिर्ची चॉप की थी वो डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। ये दूसरी चाट जो है ये तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये चाट जो है हमारी तैयार हो गई। आपने देखा मैंने किस तरह बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।